हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 33 लेकर आई हूँ इंग्लिश की। ठीक है बच्चों, इसमें आपको बहुत ही नॉलेज की बात बताई गई है कि आप किस तरह से एक लीडर का काम कर सकते हैं। जैसे ये इसमें मछली की पिक्चर में बताया हुआ है कि एक रेड मछली आगे चल रही है और बाकी मछलियाँ पीछे चल रही हैं। इसका मतलब है तुम खुद सही रास्ते पर चलो और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाओ। किसी तरह से लीडरशिप आप कैसे फॉलो कर सकते हो। अगली पिक्चर में देखो, इसमें बताया हुआ है सेल्फ अवेयरनेस। तुम अपनी सेल्फ अवेयरनेस का भी तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए, तुम्हारे करेक्टर का, तुम्हारी फीलिंग का तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम किस तरह से दूसरों से व्यवहार करते हो। ठीक है, डू वर्क वर्थ डूइंग, मीनिंगफुल एक्शन यानी कि डूइंग इम्पोर्टेंस एंड यूजफुल वर्क। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अपना काम किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, और यूज़फुल वर्क तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, किस तरह से काम को यूज़ करोगे आप। ठीक है, और फिर है विज़न, हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन, तुम्हारे में आगे की सोचने की कितनी क्षमता है, तुम अपने भविष्य के बारे में किस तरह से सोचते हो, तुम्हारे में कितनी काबिलियत है। देखो बच्चों, पढ़ते तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन जो अपना एक लक्ष्य बना के चलता है, जो एक अपना गोल बना के चलता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, वही बच्चा आगे बढ़ता है। ठीक है, और बच्चों यही जो आपकी उम्र होती है ना, सक्सेस पाने की यही होती है। तो इसमें सही सब कुछ यही आपके बारे में ही बताया गया है। कम्युनिकेशन, तुम दूसरों से अपना संपर्क कैसे स्थापित करते हो, बात करने का तरीका, ठीक है, तुम्हारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका, तुम्हारा एक्सचेंजिंग आइडियाज़ किस तरह से हैं, तुम अपने किसी को राय सलाह किस तरह से देते हो। इंटीग्रिटी में क्या होता है बच्चों, बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। तुम अपने कितने रूल्स फॉलो करते हो अपने जीवन में, कितना तुम अपना टाइम टेबल बना के चलते हो, काम का तरीका, तुम्हारे नियम प्रिंसिपल्स क्या हैं तुम्हारे जीवन के। ठीक है, कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, वर्किंग कलेक्टिवली एज ए टीम। ठीक है, तुम अपने साथ अगर किसी को काम करवाओगे तो तुम उन्हें किस तरह से हैंडल करोगे, तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसा है, तुम्हारा कनेक्शन कैसा है। ठीक है बच्चों, इस बारे में दिया गया है इस वर्कशीट में। और फिर लास्ट में वैल्यूइंग अदर्स, ट्राइंग इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर थिंक एंड फील। तुम किस तरह से दूसरों को समझते हो कि वो किस तरह से तुम्हारे बारे में सोचते हैं या तुम उनके बारे में सोचते हो। देखो ऐसा होता है कि जब तुम अपना काम करते हो तो तुम्हें ये भी, या किसी से अपना काम करवाते हो तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक, तो इसी सब चीज़ को फॉलो करते हुए इन्होंने दिया है एक लेटर लिखने के लिए प्रिंसिपल को। ठीक है बच्चों, मैं पढ़ के बता देती हूँ। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन एंड हाउ यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल। तो इसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जो मैं आपको बता देती हूँ। देखो एप्लीकेशन इस तरह से लिखनी है आपको, द प्रिंसिपल SKV यमुना विहार, या फिर आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, क्या न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट एक्सप्रेसिंग माय कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन एंड प्लानिंग टू डेवलप द स्किल। लिखना है रिस्पेक्टेड मैडम या सर, ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल हैं उसी तरीके से लिखना है। With due respect, I want to bring your notice that my name is Sachin. या आप कोई और भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम खुद लिखना, मैंने ऐसे ही लिखा है आपके लिए। I am the student of class 10th of your school. We all know the world is facing humanity's biggest crisis. Almost every country has been affected by the devastating coronavirus. COVID-19 has affected our day-to-day life. Not only who are suffering from this disease, affected by every person like me also. Due to corona pandemic, our schools are closed. We cannot go outside and we can't meet the people. We are not able to play in the parks because of social distancing. This is why we are feeling disconnected to each other.
by this hour. Social values are decreasing and we have deprived from many life skills like meaningful actions, communications, integrity, connection and collaboration, etc. We need to start solution to migrate the coronavirus impact. We should schedule virtual visits with the friends and teachers. Many online communications tools provide a wide features to help us feel more connected to loved ones, to improve our collaboration and connection. We can do such type of work that we want to do and we could not do till now because of our busy schedule. It will be a meaningful action in this pandemic solution. Looking forward for your positive response to from a virtual club for the students and teachers to make possible virtual visit to each other. लास्ट में आपने लिखना है बच्चों, थैंकिंग यू, यू आर सिंसियरली सचिन 10th A, या फिर अपना नाम जो भी आपका है. ठीक है बच्चों, ये आपको एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखनी है. आज की वर्कशीट में इतना ही. अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना. थैंक यू वेरी मच.